कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। डॉक्टर बनकर एक तो वही होता है पेशेंट्स को ठीक करना है, साथ में मैंने ये सुना हुआ है कि लोग बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी हाई इनकम के लिए इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं जिनसे उनकी इनकम बढ़े, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर होता है उसका सिर्फ एक मेन मोटिव होता है कि जो उसके पास जो पेशेंट आए वो अच्छे से करें। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है, मैं हूं स्वप्निल कक्षा। आपको बता दें बीते दो दिन पहले जिस तरह से 10वीं कक्षा का CBSE का रिजल्ट जो कि आउट हुआ है, इसमें हमारे उधमपुर की छात्र छात्राएं ने बाजी मारी है, हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे उधमपुर का, अपनी फैमिली का और अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। हम अपने जम्मू संवाद की तरफ से भी इन्हें मुबारकबाद देते हैं, इन्होंने हमारे उधमपुर का नाम जो कि एक रोशन किया है, प्राउड, हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं। मैं आपको उसी शख्स से आज मिलाने चाहूँगा जिन्होंने 95% जो कि गेन किए हैं, नाम नहीं उनका बताऊँगा, वो खुद ही अपना नाम बताएंगे। आपका हमारे शो में स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम अवनी महाजन है। अब क्योंकि CBSE में अगर बात करूँ, किस तरह से 95% लिए, किस तरह की सपोर्ट रही है पेरेंट्स की आपको? प्राउड तो होता ही है जब इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, वो भी CBSE में 95% मार्क्स लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। और साथ में सपोर्ट तो सभी का रहा ही है, टीचर्स का, पेरेंट्स का। पेरेंट्स को किसी भी टाइम कोई भी बुक के लिए बोलो तो वो 2 मिनट में बुक ला के दे देते थे, और टीचर्स उनके पास अगर कोई भी डाउट लेके जाओ तो हमारा डाउट ऐसा होता ही नहीं था कि वो कभी पेंडिंग रखते थे, उसी टाइम क्लियर हो जाता था। तो उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो बहुत प्राउड हो रहा है अभी। जैसे कभी डांट पड़ी है? हाँ, वो पढ़ती थी, फिर जब गलत हो जाते थे तो फिर डांट पड़ती थी। आपने जैसे बताया डांट पड़ती थी, 95% लाए हैं, तो मानते हैं कि डांट की वजह से ही आज आप इस मुकाम तक पहुँचे? हाँ, वो तो है, पर अगर और डांट पड़ी होती तो शायद और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। मतलब आप चाहते कि डांट और पड़े? हाँ, मतलब अगर और मेहनत की होती तो और मार्क्स आ सकते थे, पर लेकिन ठीक है, अभी तक जितने आए हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, अच्छे मार्क्स आए हैं मुझे। अब नहीं, आपने सुना होगा काफ़ी बार कि जब जिस बच्चे के कम मार्क्स आते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या कोई व्यू उन्हें देंगे किस तरह से आपने स्टडी किया और उनको भी वैसे ही स्टडी करनी चाहिए? नहीं, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं होती है, कि ये तो बच्चे की मेहनत पे ही डिपेंड करता है। अब अगर जैसे मैंने मेहनत की, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं खुश हूँ आज, और अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो उसको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक कोट याद रखना चाहिए, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि फेल का मतलब FAIL फेल नहीं होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। और अगर हम एक बार अटैम्प्ट हमारा कम भी हो जाए तो हमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें और हार्डवर्क करना चाहिए जिससे हमारे और अच्छे मार्क्स आए। अब नहीं, पहले मुझे बताओ बनना क्या चाहोगे? मैंने डॉक्टर बनने का सोचा हुआ है। चलो, आपको जम्मू संवाद ने डॉक्टर बना दिया, अब मुझे ये बताओ डॉक्टर बनकर क्या करोगे? डॉक्टर बनकर एक तो वही होता है पेशेंट्स को ठीक करना है, साथ में मैंने ये सुना हुआ है कि लोग बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी हाई इनकम के लिए इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं जिनसे उनकी इनकम बढ़े, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर होता है उसका सिर्फ एक मेन मोटिव होता है कि जो उसके पास जो पेशेंट आए वो अच्छे से रिकवर हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो लोगों की ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि डॉक्टर जो हैं वो हाई इनकम के लिए इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, तो ये सब उनकी दूर हो, ऐसा नहीं हो, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर के लिए। और डॉक्टर को भी एक भगवान मानते हैं, जैसे कि वो चाहे तो वो ठीक भी कर सकता है और वो चाहे तो उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल भी कर सकता है। क्या होता है, काफ़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी। अब पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी रही? पेरेंट्स की तो सपोर्ट बहुत ही अच्छी रही, मैंने पहले भी बताया, जिस टाइम पे अगर उनको बोलो कि पापा मुझे ये वाली बुक चाहिए तो उसी दिन वो बुक आ जाती थी, चाहे ऑनलाइन मंगवाओ या फिर बाहर से मंगवाओ, मतलब बुक उसी टाइम आ जाती थी। तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। और अगर ऐसे बोलें तो जिस टाइम मैं पढ़ने के लिए बैठती थी उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, मेरा पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ होता था, कोई मुझे आवाज़ नहीं लगाता था या फिर ये काम करो वो काम, ऐसा कुछ नहीं होता था। आपका सेपरेट रूम है? हाँ जी, मेरा सेपरेट रूम था, उसी में बैठ कर मैं रूम बंद करके अच्छे फिर दो तीन घंटा जितना पढ़ना होता था पूरा फोकस के साथ पढ़ती थी। आपका नाम बताने? ईजा महाजन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। कौन से स्कूल में? रमेश वाले शांति। ओके, आप क्या लगते हो अभी? सिस्टर। मुझे बताओ, आपने कुछ सपोर्ट की है अपनी सिस्टर को?
कैसे स्पोर्ट किया था? जब मेरी सिस्टर पढ़ रही थी तो मैं उसको कोई काम नहीं बोलती थी। अच्छा। और जब बोलती थी पानी ला दे या फिर कुछ हो तो वो भी ला कर देती। बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ, इनके पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मदर मेरे साथ हैं। इनसे हम बात करें कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं और किस तरह से इन्हें इन्होंने जो कि अवनी को सपोर्ट किया है। जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप बता दें कि आपने किस तरह की सपोर्ट जो है आपने अवनी को किया? सपोर्ट यही है कि हम इसे बार बार यही बोलते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, आप जितनी मेहनत करोगे आपके मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे, उतने आप सक्सेसफुल हो पाओगे अपनी लाइफ में। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तो ये बचपन से ही ऐसी थी, इसके अपना हर काम इसने टाइम पे करना है। जब पढ़ने का टाइम होगा पढ़ना भी है, टीवी भी देखना है, और ये एक्टिविटीज़ में भी हर एक एक्टिविटीज़ में पार्ट भी लेती है। जैसे ये आपको ये सारे प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसने कोई डिबेट में लिया हुआ है, ये स्पोर्टिंग राइट में भी मैक्सिमम जाती रहती है बाहर, तो हर एक में ये पार्टिसिपेट करती थी। और मुझे बताया कितना प्राउड फील कर रहे हैं वो? प्राउड तो बहुत फील होता है जब अपना बच्चा आगे जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत की है वो आज सक्सेस हो गई, हम सक्सेसफुल हो गए हैं इसमें। आपको बता दें, ट्वेल्थ में भी लड़की ने ही बाजी मारी और टेंथ में भी लड़की ने ही बाजी मारी है। इनकी अवनी की ज़ुबानी को देख ली होगी, डॉक्टर बनना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी थिंकिंग है। मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी यही अपील करूँगा, जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम आए हैं वो डिप्रेशन वगैरह या टेंशन वगैरह में मत जाएँ और मेहनत करें ताकि उनके भी मार्क्स जो हैं अच्छे से अच्छे आ सकें। तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं I'm not afraid.